आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको मैंने ब्रेड से तैयार किया है। 15 मिनट्स में ये डिज़र्ट बन के तैयार हो जाता है। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ कप मैं चीनी ऐड कर दूँगी एक बर्तन में। अच्छा जी, हम इसका कैरेमल बना रहे हैं। बिल्कुल हल्की आँच पर इसको मेल्ट करना है, मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है। अगर ये थोड़ा सा भी जल गया या इसका कलर डार्क हो गया तो डिज़र्ट ख़राब हो जाएगा। ना कलर अच्छा आएगा और ना ही जायका। जब चीनी 90% मेल्ट हो जाए तो इसमें हाफ टेबल स्पून मक्खन ऐड कर दूंगी। होममेड मक्खन भी आप यूज़ कर सकते हैं, बस मक्खन अनसॉल्टेड हो। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसमें मैं 2 कप दूध डाल दूंगी। जैसे ही मिल्क ऐड करेंगे तो कैरेमल हार्ड हो जाएगा, तो इस बात पर आपने जो है ना परेशान नहीं होना। अब मैं 2 कप भी दूध का डाल दूंगी। पहले एक डाला था, अब दूसरा भी ऐड कर रही हूँ। कैरेमल बनाने का मकसद ये था कि इसकी खुशबू जो है दूध के अंदर आ जाए। अगर हम दूध के अंदर ड्राइ चीनी डाल देते तो वो खुशबू ना आती। जब कैरेमल अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें 1/2 कप मिल्क पाउडर ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास खुश्क दूध नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप एवरी डे यूज कर सकते हैं, या फिर जो है आप दूध की क्वांटिटी बढ़ा के इसको गाढ़ा कर लीजिएगा, टेस्ट वैसा ही आ जाएगा। जब दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। 1/3 कप मिल्क में मैंने 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। थोड़े से बादाम भी डाल दूंगी और 1/4 टीस्पून जो है वनीला एसेंस डाल दूंगी। एसेंस बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि खुशबू तो पहले से इसमें कैरेमल की आ गई है। चूल्हा बंद कर दें अब। अच्छा, दूसरी तरफ जो है ब्रेड की स्लाइसिस हम काट लेंगे। ब्रेड के स्लाइसेस का जो साइज़ है वो आप पर डिपेंड करता है कि एक स्लाइस में आप कितने जो हैं सर्कल काट लेंगे, या इसकी आप शेप चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैं सारे कट कर लूँगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे ये बताएं आपको ये रेसिपी कैसे लगी। अच्छा जी, यहाँ मैंने जो है ब्रेड के ऊपर टेट्रा पैक वाली जो है क्रीम लगा ली है। आप मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें चीनी वगैरह मैंने कुछ नहीं डाली क्योंकि दूध जो हमने बनाया है वो बहुत ज़्यादा मीठा है। इस तरह का मीठा है कि आप अंदाज़ा लगा लें, जैसे खोए वाली कुल्फ़ी होती है तेज़ मीठे वाली। अगर आप लाइट मीठा पसंद करते हैं तो 1/2 कप चीनी की बजाय आप 1/3 कप चीनी ले सकते हैं। जो मिल्क हमने तैयार किया था बस उसमें डिप करती जाऊँगी एहतियात से। नीचे की तरफ मैंने फॉर्क रखा है और ऊपर चम्मच की मदद से जो है मैं इसके अंदर डालती जाऊँगी ताकि हमारी ब्रेड टूटे ना। जिस बर्तन में आपने डिज़र्ट सर्व करना है उसी बर्तन में आपने ये स्लाइसेस रखते जाने हैं। इसी तरीके से सारे मैं बना के रखती जाऊंगी। अच्छा, आप जब ये डिज़र्ट बनाएंगे तो किसी को यकीन नहीं आएगा कि ये ब्रेड से बना है। अब इसमें जो है बाकी का बचा हुआ दूध सारा शामिल कर दूंगी। इसको हमने कुछ देर के लिए रखना है फ्रिज में ताकि ये ठंडा हो जाए। येलो और ग्रीन फूड कलर में मैंने बादामों को कुछ देर के लिए डिप कर लिया था। देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं सिंपल बादाम भी डाल दूंगी बगैर किसी कलर के, और अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आप ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। उसके अलावा आप पिस्ते वगैरह भी डाल सकते हैं, या अगर आपके पास कोई कलर वाला कोकोनट का चूरा पड़ा हुआ है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको जो है खा के भी दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल रस मलाई की तरह, बल्कि रस मलाई से भी ज़्यादा मज़ेदार था। आप यकीन करें बहुत मज़ेदार था। सॉफ्ट एंड जूसी डिज़र्ट। स्टेप 1। Step 2.
Perfect. Step 3. Yummy and delicious. Soft and juicy. Chocolate roll. Quick, easy and delicious. Step 1. Step 2. Step 3.